कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके जम्मू की तरफ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, जिसमें 23 यात्री जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान नंबर 14PD4101 बस जो है वो सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें आपको बता दें मिली जानकारी के अनुसार 23 यात्री जो है वो घायल हो गए, जबकि एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि जहां पे आतंकी संगठन इसको आतंकी घटना जो है वो इसका साजिश करार दे रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। कुछ चालक हैं और कुछ चश्मदीद हैं, वो इस घटना की पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्या कहते हैं देखिए। मेरा नाम करतार बंजारा है और मैं RJ14PD4101 बस का ड्राइवर हूँ। हम कटरा वैष्णो माता के दर्शन करके और आ रहे थे, तो रास्ते में एक बस को मैं ओवरटेक किया, जैसे ही आगे मोड़ आया और मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगी नहीं गाड़ी के, आगे घुमाव पे गाड़ी के मतलब अनबैलेंस होके और गाड़ी पलटी खा गई। आज जिस बस में हम लोग जा रहे थे कटरा वैष्णो देवी के दर्शन करके, हमारे अमृतसर जयपुर के लिए जा रहे थे, तो बस ड्राइवर ने जो ये बस थी ये थोड़ी स्पीड में चला रहा था और जैसे ही टर्न आया तो टर्न में उसने ब्रेक वगैरह लगाया और गाड़ी बैलेंस नहीं हुई उसकी, और बैलेंस नहीं होने की वजह से गाड़ी जो कंडक्टर साइड होता है उस तरफ टर्न कर गई और इस वजह से इंजरी हुई, हमारी कैजुअल्टी भी हो गई और बाकी 6-7 पर्सन जो है हमारे वो इंजर्ड हुए। अभी यहाँ से कटरा से निकल रही जयपुर के लिए अमृतसर होते हुए, तो फिर वो बस ड्राइवर ने 15-20 किलोमीटर चले होंगे, हम आगे जाके एक टर्न था यू टर्न, गाड़ी स्पीड से चला रहा था, गाड़ी उसने ब्रेक लगाया एकदम से घुमाने के लिए तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और गाड़ी वहीं पलटी खा गई। क्या हुआ था आज? आज हम वैष्णो देवी माता के दर्शन करके सुबह नीचे उतरे थे, फिर हम लोग नहा धो के तैयार होके और दर्शन के लिए निकल रहे थे, ठीक है। उस ड्राइवर ने क्या करा, गाड़ी ऐसी चलाई मतलब खाइयों में जो घुमाई होती है ना अपने स्पीड से, तो वो गाड़ी क्या और लोड पलट करने लगी, फिर वो कंट्रोल नहीं हुई बाद में, काटते काटते वो पलट ही गई बाद में।